हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हैं पीएन, ग्रुप डी में क्या सैलरी उन्हें ज्वाइनिंग के बाद मिलने वाली है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो ये दिसंबर 2019-20 की पे स्लिप है। एम्प्लॉई का नाम है रंजीत और उनकी बेसिक पे है जो 16,900। अगर आप ग्रुप डी में किसी भी डिपार्टमेंट में हरियाणा के ज्वाइन करते हैं, सेवंथ पे कमीशन में आपकी बेसिक पे है जो 16,900 रुपये रहेगी। डीए करंट में 17% है, तो 16,900 का 17% 2873 रुपये आपका डीए होगा। एचआरए 1,800 रुपये कर दिया गया है सेवंथ पे कमीशन के अनुसार। 1,000 रुपये आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा और कन्वे अलाउंस आपको 200 रुपये, वॉशिंग अलाउंस आपको 440 रुपये मिलेगा। तो टोटल जो आपकी ग्रोस पे होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ग्रोस पे है जो आपकी 23,213 रुपये। ये सारे अलाउंस, बेसिक और डीए मिलाकर के आपकी ग्रोस सैलरी 23,213 रुपये फर्स्ट सैलरी आपको मिलने वाली है। इसमें से आपका एनपीएस जो कटेगा, एनपीएस 1,977 रुपये। ये बेसिक प्लस डीए 16,900 प्लस 2873 का 10% ऑटोमेटिक कटता है एनपीएस कार्ड में। जो पेंशन फंड कटेगा आपका, ये काट करके 23,213 में से 1,977 रुपये काटने के बाद आपकी जो 5 रुपये जो आपके कटेंगे वो जीआईएस के कटेंगे। तो टोटल ये 1,982 रुपये डिडक्शन होगा आपकी सैलरीज में से। जो आपके नेट पे होगा, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट पे जो हो रहा है इनको 21,231 रुपये, 21,231 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं। तो ये थी क्लास फोर्थ की सैलरी। अगली वीडियो में मैं लेक्चरर और क्लर्क की सैलरी डिस्कस करूंगा। थैंक यू।